नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। मैं हूँ शालू बत्रा। दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर भावना अग्रवाल से, जो कि संजीवनी हॉस्पिटल की संचालिका है। वह स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि महिलाओं में आमतौर पर जो आजकल बीमारियां होती जा रही हैं, उनके क्या कारण हैं और किन उपायों को कर हम उन बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। तो सबसे पहले मैम, स्टूडियो में आपका स्वागत है। और मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आजकल PCOD सुनने में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये एक्चुअली में है क्या? PCOD की बीमारी है पॉली सिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, यानी कि अंडेदानी की बीमारी। अंडेदानी में छोटी छोटी पानी के बुलबुले बन जाना, यह एक बहुत बड़ी रसौली नहीं है जिसका लोग घबरा जाते हैं कि ये मुझे होगी तो मुझे इसका इलाज ऑपरेशन है। इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, यह खाली एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से होती है, जिसमें मरीज में जो मेल हार्मोन का फैक्टर है वो बढ़ जाता है और फीमेल हार्मोन के फैक्टर डाउन हो जाते हैं। उस वजह से जो औरतों में है या बच्चियों में है, मेल फैक्टर के हार्मोन बढ़ने से वो गुण आ जाते हैं, वो थोड़े शरीर में भारी पड़ने लग जाएंगे, उनको पीरियड की समस्या आएगी, उनकी पीरियड की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, मतलब कि डेट चढ़ के ऊपर आएगी, डेट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, और कई बार अगर टाइम सिर्फ इलाज ना लिया जाए तो उनके चेहरे पर बाल भी आने शुरू हो जाते हैं। तो मैम, ये PCOD मोस्टली होती किन कारणों की वजह से, ऐसा क्या हो जाता है कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है? PCOD की मेन प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल एंड जेनेटिक। एनवायरमेंटल, आजकल बच्चे घर के खाने की बजाय फास्ट फूड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी पे कम ध्यान देते हैं, मोबाइल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, सारा समय उनका TV पर या मोबाइल को यूज़ करने में निकलता है। इंडोर गेम्स में वो ज़्यादा रहते हैं, आउटडोर गेम्स लगभग ना के बराबर हो गई है, ये सब फैक्टर की वजह से मरीज़ में PCOD की प्रॉब्लम। तो किस किया ऐसे क्यों कौन से उपाय हैं जी भी हम थोड़ा बहुत उनको अपना कर इससे बच सकते हैं? इसमें यही है, जो इनके कारण है उसको अवॉइड किया जाए। जैसे हम इंडोर गेम्स की बजाय आउटडोर गेम्स के लिए बच्चों को अपने को एनकरेज करें कि कम से कम दिन में 1 घंटा वो बाहर खेलें। जैसे हमारे समय में हम गलियों में खेलते थे, स्टापू खेलते थे, आजकल ये गेम बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं, सब सारा समय मोबाइल पे रहता है। घर के खाने के लिए उनको एनकरेज करें, बच्चे को उनके टेस्ट के हिसाब से खाना दें ताकि वो फास्ट फूड की तरफ अपना रुख ना करें। ठीक, इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसे मैम आजकल पीरियड्स छोटी उम्र की लड़कियों में भी आने लग गए हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है? छोटी उम्र के बच्चों में पीरियड आना है, उनकी मेच्योरिटी लेवल जल्दी अटेन कर लेना। हमारे समय में जब हमें जो हमारे समय की लेडीज थी, बच्चियाँ थी, उनको 14-15 साल की उम्र में पीरियड आते थे, वही एज ग्रुप आज घटकर 10 या 12 साल हो गया है। ये सब है कि बच्चों को सोशल मीडिया पर या TV में इस तरह के प्रोग्राम वो देखते हैं कि जो उनका मेंटल लेवल है वो काफ़ी हब चला गया है, उनमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो जल्दी हो रहे हैं एज कम्पेयर टू आवर जनरेशन। यही कारण है कि बच्चों को पीरियड जल्दी आ रही है। ठीक है, तो जिस जैसे कि बच्चियों में पीरियड्स जल्दी आ रहे हैं, ऐसे ही बढ़ती उम्र की लेडीज़ के साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती है, किसी को पीरियड्स बहुत ज़्यादा आने लग जाते हैं, किसी को कम आते हैं, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? जो इसमें हम दो तरह से डिवाइड करेंगे पेशेंट्स को कि जो ये दिक्कत आ रही है ये इसको हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से आ रही है, मतलब कि सिस्टेमिक कारण है, या लोकल कारण, मतलब कि जो बच्चेदानी से रिलेटेड उसको कोई प्रॉब्लम है। अगर उसको सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है या पिट्यूटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें हार्मोनल हमको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। अगर उसको बच्चेदानी में कोई दिक्कत है तो हमें उसका एज ग्रुप देखना है कि अगर वो छोटी उम्र की है और उसको अभी फैमिली प्लान करनी है तो हमें उस हिसाब से उसका निकालना पड़ेगा। उसकी अगर बच्चेदानी में रसोली है या गांठ है तो खाली हम रसोली को निकालेंगे ताकि वो आगे प्रेगनेंसी कर सके। अगर बड़ी उम्र की लेडी है और उसको रसोली है तो हमें उसकी बच्चेदानी भी निकालनी पड़ सकती है। अगर उसको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, उससे बियर नहीं हो रही, उसका HB डाउन जा रहा है, तो ये सब कारण। ठीक है, जैसे मैम आपने अभी यूटरस के बारे में बताया, तो मेनली लेडीज़ में ये प्रॉब्लम्स यूटरस में रसौली होने की भी बहुत ज़्यादा आती है, तो ये जो यूटरस में रसौली होती है, पीरियड्स सही ना आने की वजह से होती है या इसका कोई और कारण होता है? नहीं, ये गलत है कि पीरियड्स सही नहीं आने की वजह से हमें रसौली होगी, नहीं, रसोली की वजह से हमारे पीरियड डिस्टर्ब होते हैं। रसोली होने से कई बार वो इस जगह पे होती है कि वो बच्चेदानी की कैविटी को ब्लॉक कर देते हैं और उसको बहुत पेनफुल पीरियड आते हैं। कई बार वो बच्चेदानी के बाहर होती है और वो हमको कोई दुख नहीं दे रही थी, तो ऐसे मरीज को कोई ज़रूरत नहीं होती। और रसोली की वजह से मरीज को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, पीरियड ना होने की वजह से रसोली बनी है, ये गलत है। ठीक है, यानी कि पीरियड्स
की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दें। जाते जाते मेरा अभी सभी दर्शकों से यही संदेश है कि हम बीइंग फीमेल अपनी कई समस्याएं सबके सामने नहीं बता पाते हैं, कुछ समस्याओं को हम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते हैं। मेरा सभी दर्शकों से यही सुझाव है कि अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अपनी फैमिली में डिस्कस करें, अपने कंसर्न डॉक्टर से डिस्कस करें। मैं संजीवनी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ, आपको मेरी कोई सी सेवा की ज़रूरत है आप मुझे मिलें, लेकिन किसी भी समस्या को अपने तक सीमित मत रखें। ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और उसके बाद आप उठें और उस समय कोई डॉक्टर आपकी कोई हेल्प ना कर सके। मेरा आपके सभी दर्शकों से यही संदेश है कि अपनी समस्या को टाइम से अपने डॉक्टर तक पहुँचें। थैंक यू मैम, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी और आपने समय निकाला हमारे साथ आने के लिए, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज मैम ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप अपनी क्वेरीज हमारे पास भेज सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड में आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और आपके क्वेश्चंस का आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि अपडेट्स आप तक पहुँचें। धन्यवाद।